Hello guys, welcome to my YouTube channel हसले ठाकुर. बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो आई रियली वांट टू थैंक्स ईच वन ऑफ यू. आप लोगों ने मेरी लास्ट वीडियो पे इतना प्यार दिखाया. जैसा कि मैं आपको बताऊं, मैंने लास्ट वीडियो पे बोला था कि मैं स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल और फॉग लेंस लगवाऊंगा, बट जो स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल है अभी उनकी मार्केट में कॉस्ट है 11,000 to 12,000, और अगर आप स्विफ्ट एलेक्सा या किसी और कार का लेने जाओगे तो आपको ये 2,500 to 3,000 के बीच में मिल जाएगा. अभी ये मार्केट में आया है इसलिए इसकी कॉस्ट इतनी ज्यादा है. इसलिए मैं थोड़ा वेट करूंगा अराउंड 1 to 2 months, जब इनकी कॉस्ट भी नीचे आ जाएगी, मार्केट में और प्रोडक्ट्स आ जाएंगे, इनके और अल्टरनेटिव्स आ जाएंगे, तो ऑब्वियसली मार्केट में कंपटीशन होने की वजह से इनकी कॉस्ट कम हो जाएगी. मैं तब तक इन चीज़ों का वेट करूंगा, जब इनकी कॉस्ट ठीक हो जाएगी मैं तब लगाऊंगा. मैं आप लोगों को ये वीडियो इसलिए बना रहा हूं क्योंकि मेरी लास्ट वीडियो में बहुत लोगों के कंसर्न थे, बहुत लोग जानना चाहते थे कि जो मैंने आमरेस लगवाया वो लगवाने के बाद हैंड ब्रेक लग पा रही है नहीं लग पा रही, एल्ट्रॉज में कैबिन नॉइस कितना है, अंदर कितना है, बाहर कितना है, गाड़ी एवरेज कितनी दे रही है, और जो मेरा पूरा म्यूजिक सेटअप है उसमें मेरे को कितनी कॉस्ट पड़ी और मैंने क्या क्या लगवाया है. तो इस वीडियो में मैं आपको ए टू जेड हर एक चीज़ बताने की कोशिश करूंगा. पहले मैं आप लोगों को गाड़ी का वॉक अराउंड दिखा दूंगा, क्या है गाड़ी में, कैसे लग रही है. उसके बाद मैं आप लोगों को बताऊंगा आमरेस्ट लगने के बाद हैंड ब्रेक में इशू आता है नहीं आता. फिर मैं आप लोगों को कैबिन नॉइस सुना दूंगा कि अंदर बाहर से कैबिन नॉइस कितना है, इंजन का नॉइस अंदर आता है तो कितना आता है, बाहर कितना है, बोनेट खोल के कितना है. उसके बाद मैं आपको पूरा म्यूजिक सेटअप दिखा दूंगा कि मैंने क्या क्या लगवाया हुआ है कार में, और वॉइस कितनी आ रही है, कितनी दूर तक वॉइस आती है इसकी, और कितना इफेक्टिव है. और लास्ट में मैं आप लोगों को गाड़ी 10-12 किलोमीटर चला के एवरेज दिखाऊंगा कि मेरी कार कितना एवरेज दे रही है खाली रोड पे. तो समय बर्बाद किए बिना स्टार्ट करते हैं वीडियो गाइज. सो गाइज, अब मैं वॉक अराउंड स्टार्ट करता हूँ. ये फ्रंट से कुछ लुक है कार का. जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, रूफ ब्लैक करवाई हुई है और साइड में क्रोम लगवाया हुआ है साइड मिरर्स में. अब मैं साइड से आपको दिखा देता हूँ. साइड से कुछ ये लुक आ रहा है कार का. बैक से कुछ ये लुक आ रहा है कार का. पीछे से ये लुक है कार का. पीछे से डैशबोर्ड कुछ ऐसा लग रहा है. आगे से कुछ ये लुक है कार का. बहुत भाइयों के कंसर्न थे कि ये आर्मरेस्ट लगने के बाद क्या हैंड ब्रेक लग पाती है या नहीं लग पाती. शायद लास्ट वीडियो में आप लोगों को ये लग रहा होगा कि हैंड ब्रेक का इशू आता है, बट हैंड ब्रेक का कोई इशू नहीं आता. मैं आप लोगों को अगर नीचे से दिखाऊं तो हैंड ब्रेक और इसमें बहुत डिफरेंस है, और हैंड ब्रेक लगाने में आज सच कोई इशू नहीं आता. आप हैंड ब्रेक आराम से लगा सकते हो और आराम से हटा सकते हो, तो आज सच कोई इशू नहीं आता. अब बात करते हैं कैबिन नॉइस की. कैबिन नॉइस के लिए मैं आपको अभी अंदर बैठ के भी दिखा दूंगा कितनी नॉइस आती है, कितनी नहीं आती. फिर मैं बाहर जाके आपको बोनेट खोल के भी दिखा दूंगा कितनी आवाज़ आती है, कितनी नहीं आती है. तो आप देख सकते हैं कार अभी बंद है, मैं सेल्फ मारता हूँ. ये गाड़ी स्टार्ट हो गई है. और मैं ऐसा नहीं कहूँगा, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे थोड़ी थोड़ी आवाज़ है, ऐसा नहीं है बहुत ज़्यादा आवाज़ है. अगर आपने पहले होंडा सिटी या कोई फोर सिलेंडर कार चलाई हुई है तो आपको थोड़ा माइनर फील होगा कि थोड़ी आवाज़ है, बट आपने अगर ऑल्टो वैगनार या कोई थ्री सिलेंडर कार चलाई हुई है तो या डीजल कार चलाई हुई है तो आपको बिल्कुल फील नहीं होगा. मैं एक्सीलेटर दे के और दिखा देता हूँ आपको.
मैं ऐसा नहीं कहूँगा नॉइस नहीं है, है नॉइस बट इतनी मैक्सिम ज़्यादा नहीं है। अगर आप कोई गाना प्ले करेंगे तो बिल्कुल भी आवाज़ नहीं आएगी, या वैसे भी ड्राइविंग करते हुए भी इतनी ज़्यादा आवाज़ नहीं आती। अब मैं एक बार आपको बोनेट खोल के भी दिखा देता हूँ वहाँ कितनी आवाज़ आ रही है। ये गाइस मैंने बोनेट खोल दिया है, कार स्टार्ट है, अब देख सकते हैं थोड़ी बहुत माइनर यहाँ वाइब्रेशन है इंजन में, बट अगर आप ऑल्टो के टेन या कोई और 3 सिलेंडर कार देखोगे उसमें वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा होती है। इसमें एज सच कोई वाइब्रेशन नहीं है बट बहुत माइनर है। और आप यहाँ देख सकते हैं तो कुशनिंग की हुई है जिस वजह से अंदर वॉइस कम आती है, इधर बोनेट में भी अच्छी कुशनिंग है जिस वजह से वॉइस अंदर बहुत कम आती है। तो आई होप आप लोगों को पता लगा होगा कितनी आवाज़ है। मैं एक बार और आगे से साउंड सुना देता हूँ आपको। अब बात करते हैं गाइस सिस्टम की। पहले मैं आपको हर एक चीज़ बताऊंगा डिटेल्स में क्या है, फिर मैं आपको इसकी साउंड सुनाऊंगा कैसी आ रही है। पहली चीज़ जो मैंने लगाई है वो है ये मेगासोनिक का टच। ये टच 9500 से 10,000 के बीच में आपको मिल जाता है। इसकी अगर आप बात करोगे स्पेसिफिकेशन की तो ये आप देख सकते हैं 2 GB और 16 GB है, और इसकी क्लैरिटी भी बहुत अच्छी है, क्लैरिटी में कोई कमी नहीं है। अब जो मैंने दूसरी चीज़ें लगवाई हैं वो मैंने चारों डोर्स में कंपोनेंट लगवाए हैं। मैंने इन्फिनिटी के प्राइमस कंपोनेंट लगवाए हैं, मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये प्राइमस कंपोनेंट है, ये इन्फिनिटी कंपनी के हैं। ये चार स्पीकर्स, चार ट्यूटर मेरे को 11,000 के पड़े थे। ये MRP इनकी 5990 होती है, ये आपको 5,000 से 5,500 के बीच में मिल जाते हैं। इनकी साउंड क्लैरिटी बहुत अच्छी है, और ये मैंने डायरेक्ट नहीं चलाए हुए हैं, मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। गाइज वो चारों कंपोनेंट स्पीकर मैं ये 2 चैनल के एम्प से चला रहा हूँ। ये मेरी लास्ट कार का ही एम्प था, इसीलिए मैंने 4 चैनल में अभी अपग्रेड नहीं किया है। बट इफ़ यू आर गोइंग फॉर 4 कंपोनेंट स्पीकर देन 4 स्पीकर्स के लिए यू शुड गो फॉर 4 चैनल एम्प, और मैं भी अभी अपग्रेड करूँगा 4 चैनल पे। और ये होता है नॉइज़ कंट्रोलर, इसका फ़ायदा ये होता है अगर कार में वॉल्यूम आप 0 रखो फिर भी कभी कभार कार में हमिंग आती है, बट अगर आप ये लगा लोगे कार में हमिंग नहीं आएगी, जो एक थोड़ी सी आवाज़ आती रहती है स्पीकर्स में से वो नहीं आती बिल्कुल भी। इसको लगाने का वो बेनिफिट होता है। ये आपको 600 to 800 के बीच में मिल जाता है, और अगर आप ऐसा 2 चैनल एम्प लोगे तो आपको ये 2800 से 3000 के बीच में मिल जाएगा। और बात करें अगर वायरिंग की तो वायरिंग की पूरी किट आपको 1000 से 1200 के बीच में ये मिल जाएगी। मेरे चारों स्पीकर्स इससे चल रहे हैं। गाइस मैंने 2 वूफर्स लगवा रखे हैं, ये 8 से 9 साल पुराने वूफर्स हैं, अब ये नहीं आते। जो साउंड इनकी है वो जो न्यू पायनियर के वूफर्स आते हैं उनकी क्वालिटी और वो वॉइस नहीं है जो बेस ये बनाते हैं। ये मैंने इन दोनों की पेटी नहीं बनवाई थी बिकॉज़ जो पुराने वाली थी वो थोड़ी भी डैमेज हो जाए तो वो क्लैरिटी नहीं आती, जैसे ये अगर लूज़ हो जाए इतने टाइट ना रहें तो बेस ये नहीं बनाते। ये मैंने इसमें 2 वूफर्स लगा रखे हैं, ये पायनियर के चैम्पियन सीरीज़ है। अब ये डिसकंटिन्यू हो गई है तो आप लोगों को नहीं मिलेगी। वो दोनों वूफर्स चलाने के लिए मैंने ये एम्प लगाया हुआ है, ये नॉर्मल एम्प नहीं है 2 चैनल का, ये मोनो एम्प है। मोनो एम्प सिर्फ वूफर्स के लिए होता है, और जो नॉर्मल एम्प्स आते हैं वो वूफर्स को इतना अच्छा सपोर्ट नहीं कर पाते जितना मोनो एम्प्स कर पाते हैं। ये वर्ल्टेक कंपनी का है, ये मैंने 3 साल पहले लिया था, अभी तक कोई इशू नहीं आया है इसमें, और ये आप अगर अब लेने जाओगे तो आपको 8 से 10,000 के बीच में ये मिल जाएगा। अब मैं आपको एक बार साउंड सुना देता हूँ।
आप देख सकते हैं गाइस यहाँ तक भी बहुत अच्छी आवाज़ आ रही है, और मैं और दूर जाऊँ तब भी बहुत अच्छी आवाज़ आएगी। तो साउंड में कोई प्रॉब्लम नहीं है, शायद ये माइक जस्टिफाई नहीं कर पाए फ़ोन के थ्रू कि आवाज़ कितनी अच्छी आ रही है, बट ट्रस्ट मी आवाज़ बहुत अच्छी आती है। तो फ्रेंड्स अब बात करते हैं एवरेज की। एवरेज दिखाने के लिए मेरे को टाइम सही लगा, जो था वो था 5:22 मॉर्निंग। जैसे कि आप देख सकते हैं रोड बिल्कुल खाली है, बहुत कम ट्रैफिक या ना के बराबर ट्रैफिक है। रीज़न इस टाइम में एवरेज दिखाने का ये है कि आपको एक हाईवे का भी आइडिया लग जाएगा कि हाईवे में गाड़ी कितनी एवरेज देगी, और आपको एक ये भी आइडिया लग जाएगा कि अगर सिटी में आप रात को चलाते हो या खाली रोड्स में चलाते हो तो वो गाड़ी कितनी एवरेज देगी। मैं आपको दिखाने के लिए मीटर ज़ीरो कर देता हूँ। मैं 10 किलोमीटर कार चलाऊंगा, फिर आपको दिखाऊंगा कार कितनी एवरेज दे रही है। आप देख सकते हैं मैंने मीटर ज़ीरो कर दिया है। अब मैं आपको थोड़े थोड़े किलोमीटर्स बाद, आफ्टर एवरी 2-3 किलोमीटर्स बाद दिखाऊंगा गाड़ी कितनी एवरेज दे रही है। गाइस आप देख सकते हैं 3 किलोमीटर्स बाद गाड़ी 20.4 की एवरेज दे रही है। रोड बिल्कुल खाली है, कोई ट्रैफिक नहीं है। एवरेज स्पीड मैंने 60-70 के बीच में रखी हुई है, और मैंने एसी स्टार्टिंग से ही चला रखा है थ्रू आउट द जर्नी। तो अभी तक गाड़ी एवरेज बहुत अच्छी दे रही है 20.5। अब देखते हैं आगे गाड़ी की एवरेज इंक्रीज होगी डिक्रीज होगी। आफ्टर 6 किलोमीटर्स गाइस 21.5 एवरेज दे रही है कार। रोड बिल्कुल खाली है और एवरेज स्पीड मैंने वही 60-70 रखी हुई है, और एसी भी ऑन ही है। अब आपको दिखाता हूँ एग्जैक्ट 10 किलोमीटर्स बाद कितनी एवरेज आ रही है कार। तो गाइस जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने अप्रॉक्स 10 किलोमीटर ड्राइव कर लिया है, और कार की जो एवरेज आई है वो आई है 23.1। अब क्या होता है अगर आप कार ट्रैफिक में खड़ी रखो या नहीं चलाओ तो एवरेज ड्रॉप होती रहती है। जैसे कि आप देखेंगे अब 23.1 से 23 हो गई है, और जितनी गाड़ी अभी मैंने कार पार्क कर रखी है अब जितनी मैं कार खड़ी रहूँगा या रखूँगा ये एवरेज ड्रॉप होती जाएगी, अब 22.9 हो गई है। यही होता है ट्रैफिक में भी। तो आई होप इससे आपको एक फेयर आइडिया मिल गया होगा कि हाईवे में और खाली रोड पर आपको क्या एवरेज मिलेगी। हेलो अगेन गाइस, थैंक्स अलॉट वीडियो को पूरा देखने के लिए। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो, और आप लोगों के जो भी आर्मरेस्ट से रिलेटेड, कैबिन नॉइस से रिलेटेड, एवरेज से रिलेटेड, म्यूजिक सिस्टम से रिलेटेड जो भी कंसर्न्स थे वो आंसर हो गए हों। स्टिल इफ यू गाइस हैव एनी कंसर्न, आप लोग कमेंट सेक्शन में या फिर मेरे को पर्सनल मैसेज करके इंस्टाग्राम पे बता सकते हैं, और मैं ट्राई करूँगा उन टॉपिक पे भी वीडियोज़ बनाने की। और जैसा कि मैंने आप लोगों को बोला था कि मेरी फ़र्स्ट सर्विस ड्यू है, और कमिंग संडे मैं इसकी फ़र्स्ट सर्विस करवाने जा रहा हूँ। इससे पहले मेरे पे मारुति और होंडा की कार रह चुकी है, तो मेरा वहाँ सर्विस एक्सपीरियंस कैसा था मैं वो आप लोगों से शेयर करूँगा एज़ कम्पेयर टू टाटा। और जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कुछ माइनर्स इशू आ रहे हैं एक दो, मैं वो भी शेयर करूँगा उनके साथ, एंड लेट्स सी इफ दे विल बी एबल टू रिजॉल्व इट और नॉट। और लास्ट वीडियो में जैसे आप लोगों ने मुझे प्यार दिखाया है, आई एम रियली थैंकफुल फॉर दैट। आई होप आप लोग इस वीडियो में भी ऐसी प्यार दिखाओगे। जिन जिन्होंने नहीं सब्सक्राइब किया चैनल, प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब, एंड थैंक्स अ लॉट। हैव अ गुड डे एंड बी सेफ।